दुश्मन की एंट्री हो चुकी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त ज़ेलेंस्की नहीं बल्कि यूक्रेन की मदद करने वाली एक महिला है, जो एक देश की प्रधानमंत्री भी हैं। ये पहले इस वक्त नाटो की सबसे मजबूत आवाज बन चुकी है और पुतिन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी है ये महिला। यूक्रेन की जंग में व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन की एंट्री हो गई है। उसने पुतिन को बर्बाद करने की कसम खा ली है। युद्ध के मैदान में पुतिन भले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं, लेकिन उनका दुश्मन ना तो जो बाइडन है, ना ऋषि सुनक है और ना ही ज़ेलेंस्की है। पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन तो एक महिला प्रधानमंत्री है, जो यूक्रेन युद्ध में पुतिन को हराने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रही है। यह करीब करीब तय है कि यूक्रेन का वजूद मिटेगा या फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सरेंडर करेंगे। इस बीच रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अगला टारगेट फिक्स कर दिया है। पैंतालीस साल की ये महिला नेता 70 साल के पुतिन की दुश्मन नंबर एक बन चुकी हैं। वजह है यूक्रेन की जंग में एस्टोनिया का दिल खोलकर हथियार लुटाना। इस छोटे से देश ने कैसे 24 फरवरी 2022 से अब तक यूक्रेन की मदद में अपना खजाना लुटाया है, आपको आगे बताएंगे। अभी आप इंटरनेशनल मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस जान लीजिए। रूस और एस्टोनिया ने एक दूसरे के राजदूतों को देश निकाला दे दिया है, यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के राजदूतों को देश छोड़कर चले जाने का फरमान सुनाया है। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे एस्टोनिया पर रूस ने रूसोफोबिया का आरोप लगाते हुए उसके राजदूत को 6 फरवरी तक मॉस्को से बाहर जाने को कहा है। दावा किया जा रहा है कि जंग के बीच एस्टोनिया की सरकार दिल खोलकर यूक्रेन की मदद कर रही है। एस्टोनिया ने यूक्रेन को 113 मिलियन यूरो यानी कि 122 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है, जो यूक्रेन को अब तक की सबसे बड़ी सैन्य मदद है। यही वजह है कि एस्टोनिया पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बन चुका है। यूक्रेन में जारी रूस के हमलों के बीच अब एस्टोनिया पुतिन की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी बन चुका है। ऐसे में रूस के विदेश मंत्रालय ने एस्टोनिया के राजदूत मार्गस लेड्रे को तलब किया और 2 हफ्ते के अंदर रूस छोड़ देने का आदेश दिया। दरअसल रूस और एस्टोनिया ने जैसे को तैसा वाला रवैया अख्तियार किया है। जब रूस ने एस्टोनिया के राजदूत को मॉस्को से चले जाने को कहा तो पलटवार में एस्टोनिया ने भी सोशल मीडिया के जरिए रूस के राजदूत को देश निकाला देने का ऐलान किया।